गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू कैंसिल द क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन। वी हैव टेकन अ डिसीजन दैट इज स्टूडेंट फ्रेंडली, वन दैट सेफगार्ड्स द हेल्थ एज वेल एज फ्यूचर ऑफ अवर यूथ। तो ये अभी देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने खुद ब खुद ये ट्वीट करके इसके रिगार्डिंग में अनाउंसमेंट करी थी। अब बात कर लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सीए एग्जामिनेशन में, क्योंकि सीए एग्जामिनेशन ही आपके होने जून एंड से और जुलाई मंथ में। सो देखिए, इस अनाउंसमेंट से जो सीए फाउंडेशन के जून 21 में 12th क्लास के स्टूडेंट्स थे, उनको एक रिलैक्सेशन तो मिल गया उनके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन से। लेकिन बात करें फाउंडेशन के एग्जामिनेशन से, सो इसमें है सच क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जून मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल है कि नहीं है। इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट ये नहीं बोला कि हम जून मंथ में एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम में जब बोला था कि सारे ऑफलाइन एग्जामिनेशन को हम मई मंथ में कैंसिल करेंगे, इसमें है सच अभी कुछ चेंज नहीं है। तो इससे कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं निकलती जून मंथ के रिगार्डिंग में। वही बात करें इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए, तो इंस्टीट्यूट को हमने जो डिसीजन है एग्जामिनेशन के लिए उसको रिकंसीडर करना चाहिए। और अगर इंस्टीट्यूट अभी भी चाहती है कि एग्जामिनेशन जून और जुलाई में हैज़ पर शेड्यूल डेट्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो उनको जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन अनाउंसमेंट रिलीज़ कर देनी चाहिए कल तक, क्योंकि अब एग्जामिनेशन को भी हैज़ इतने डेज नहीं रह गए। और अगर इंस्टीट्यूट चाह ही रही है कि एग्जामिनेशन वो हैज़ पर शेड्यूल डेट्स कंडक्ट करवाए, तो उनको वैक्सीनेशन ड्राइव सभी स्टूडेंट्स के लिए करवा देना चाहिए और साथ में ओल्ड कोर्स का अटेम्प्ट भी एक्सटेंड करवा देना चाहिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने से पहले। ये दोनों चीज़ें स्टूडेंट्स एग्री करते होंगे, और अगर आप एग्री करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, 500 का टारगेट है। ऑल दो सभी स्टूडेंट इस चीज़ से एग्री करते कि वैक्सीनेशन तो करवा देना चाहिए और साथ में ओल्ड कोर्स का अटेम्प्ट भी एक्सटेंड करवा देना चाहिए एग्ज़ाम, अगर आपको अभी भी शेड्यूल डेट्स अगर कंडक्ट करवानी चाहिए। ऑल दो इंस्टीट्यूट को रिकन्सिडर करना चाहिए अपना डिसीजन, मैं फिर बोल रहा हूँ, देखते हैं इंस्टीट्यूट का डिसीजन, क्लैरिफिकेशन रिलीज़ कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन को है सच इतने डेज भी रहे नहीं गए हैं। सो होप करता हूँ वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे और वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे सी एक्सपीरियंस के साथ, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओपन करना ना भूलेगा, और आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।